कोई कहानी नहीं है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये सच हो। ये बात उसकी है जो बस अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। ये बात उस परिवार की है जो खुशी से साथ मिलकर हंसते खेलते रह रहा था। ये बात उस देश की है जहां उस माँ को पूजा जाता है। ये बात मेरी है, ये बात आपकी है, और ये हम सब की बात है। क्या हुआ ऐसा कि वो ना मर पाई और ना ही जिंदा रह सकी? पता है, अगर हर माँ बाप का अपनी बेटी को रात में घर से बाहर जाने का डर खत्म हो जाए ना, तो समझ लेना कि हम पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं। हमने अपने ही देश की बेटियों को अपने ही घरों में बंदी बना के रखा हुआ है। कहीं बाहर जाने की इजाजत ही नहीं है, होती भी है तो 10 सवाल पूछते हैं। पर इसकी भी तो वजह है, वो वजह जो एक पल में सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की, पूरे परिवार की, पूरे देश की इज्जत और जिंदगी को थाम देती है। इससे बड़ी बात तो ये है कि कोई लड़की अगर इसके खिलाफ आवाज उठाना भी चाहे ना, तो वहां पर भी उस पर खैर छोड़ो यार, मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस वक्त जब तुम उदास हो, हर उस वक्त जब तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करता है, हर बहन के लिए, हर बच्चे के लिए एक भाई की तरह, हर माँ के लिए एक बेटे की तरह, हर परिवार के लिए एक दोस्त की तरह, और उसे खास के लिए उसके साथी की तरह, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। बस तुम मुस्कुरा दो।